तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग की शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि आज सुबह फ्लिपकार्ट वाला आया था। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों ही चीज़ें हैं, पर फ्लिपकार्ट यहाँ पे इजीली मिल जाता है। अमेजोन में कई चीज़ें जो ग्रॉसरीज होती हैं वो इजीली यहाँ पे नहीं डिलीवर होती हैं, तो इसलिए मैं अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ। अमेजोन से डिलीवर ही नहीं होती है। तो आज यहाँ पे क्या था कि मतलब चीज़ें बहुत दूर दूर हैं, वहाँ पे मैं बहुत डिपेंडेंट हो गई हूँ। हर एक चीज़ के लिए मुझे विकास से पूछना पड़ता है कि चलोगे नहीं चलोगे, और विकास के पास ऑलरेडी टाइम ही नहीं होता। ऑब्वियसली जॉब मतलब ऑफिस जाना, फिर घर के काम करना, मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है कि जो काम मैं इतने सालों से अकेले कर रही थी और उन कामों के लिए मुझे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो सीरियसली मतलब मुझे एकदम लगता है कि मतलब ये क्या है, ये क्या लाइफ है, जिसके मतलब होता है कि आप हर एक काम में बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन करना और बच्चों को कोचिंग्स में ले जाना, सब कुछ मैं अकेले करती थी। आज मतलब एक एक चीज़ के लिए मुझे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, बिकॉज कि हर एक चीज़ यहाँ पे इतनी दूर है। और ऑब्वियसली देखो क्या होता है कि जो इंसान मतलब इंडिपेंडेंटली हर चीज़ कर रहा हो, हैंडल कर रहा हो, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि मुझे हेयर कट कराना है, मुझे पता है कि कौन सा पार्लर अच्छा है, मतलब किसी से पूछते पूछते वहाँ पे पहुँच जाना। और देखो ये मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे लोगों का कुछ ऐसा नहीं है, पर बात वही है कि वहाँ पे मैं 8 साल रही, बहुत अच्छा एक होता है ना कि एक सर्कल बन गया था, तो लोग हेल्प कर देते थे। यहाँ पे हम जानते ही नहीं किसी को, तो नई जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना नहीं है सच, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो सभी बोल लेते हैं। बाकी अभी तो हिंदी की मूवीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि हिंदी भी लोग बोल लेते हैं। और अभी देखो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक जगह पे जाके जो प्रॉब्लम सबसे पहले मेरे को होती है, एक तो मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है। इतना फोरहेड ऐसा लगता है कि ना बहुत ब्रॉड है, ऑलरेडी ब्रॉड है, और उसके बाद जब हेयर फॉल होता है तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। तो पहले तो मतलब होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, यू आर वेरी लकी कि तुम्हारा फोरहेड बहुत अच्छा है। तो मतलब इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बस यही कहूँगी कि मेरे को आदत नहीं है फोरहेड पे बाल कभी आगे करने की। पहले भी नहीं थी, जब व्हेन आई वाज यंग, कॉलेज टाइम में भी नहीं थी, स्कूल टाइम में भी कभी नहीं थी। तो वो जो होता है ना कि आप फोरहेड काफ़ी आपका कवर हो जाता है, तो लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप बाल आगे रखा करो, तो मुझे आदत ही नहीं है। और ऊपर से क्या हो गया है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, पानी जो है सूट नहीं कर रहा है, लोग बोलते हैं बहुत हार्ड वाटर है, इसलिए भी हेयर फॉल होता है। और मैंने देखा भी है, खैर काफ़ी लोगों का हेयर फॉल होता है, तो मैं एक एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ क्या। तो देखते हैं अब। अच्छा हाँ, अभी मैं लखनऊ गई थी, तो लखनऊ से मेरा स्किन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था, मेरे ब्लैक ब्लैक पैचेस आ गए थे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं मतलब मुझे किसी ने लखनऊ में टोका कि गीतांजलि व्हाट हैपेंड टू यू, ये इतने डार्क डार्क पिगमेंटेशन आ गया है। और पिगमेंटेशन तो सुनने में अच्छा लगता है, पर जब कोई बोलता है झाइयाँ आ गई है ना, तो झाइयाँ सुन के ही एक जब एक अलग सी स्थिति होती है, अच्छा क्या हम बूढ़े हो गए हैं। तो मैंने भी मेडिकल स्टोर जाके मतलब 2-3 दवाइयाँ परचेज की, और मतलब ऐसा होता है कि शायद ये कहीं और मिलेंगी नहीं, तो आप स्टॉक ले लेते हो कि जब तक आप लखनऊ नहीं जाते हो तब तक ये दवाइयाँ चलती रहें। तो मैंने यूज़ की, और वो एक आप मतलब यकीन मानिए कि बिल्कुल भी आपकी स्किन पे फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे आके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में। तो बस वही है कि प्लीज़ मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको जो मतलब मेरी वाली स्थिति में है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे वैसे कहीं भी मेडिकल स्टोर जाके, एक होता है ना कि उनके सजेशन से दवाइयाँ ना लें, बल्कि एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसके सजेशन से दवाइयाँ लें, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे भी मिला है, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ऐसे बोलूँगी कि सब एक जैसे ही होते हैं, पर यस मुझे भी फ़ायदा मिला है। और अभी मुझे करते करते हालांकि 15-20 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, आज मैंने मंगाए थे ये फॉर्च्यून के मस्टर्ड ऑयल। अब आपको लगेगा कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। इसका वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, ये है 195 रुपीज़ के जी, और ये मैंने मंगाया है 145 रुपीज़ के जी
ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने चिकन के सूट्स लिए हैं। मैं शॉपिंग आज की डेट में सभी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे अपने कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मेरे मतलब बहुत पुराने पुराने कपड़े भी बहुत अच्छी तरह से मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कपड़ों को मतलब ऐसा होता है कि मैं वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोती हूँ कि मुझे लगता है कि फेड हो जाएंगे। तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे कपड़ों के लिए अपने, तो मैं दिखाती हूँ। हालांकि जो पहले वाले हैं तो वो तो पैकिंग खुल चुकी है, तो जो अभी जिनके मैंने ऑर्गेनाइजर का अनपैक किया है तो मैं दिखाती हूँ उनकी कॉस्ट कितनी की थी। और ऑब्वियसली मैंने अमेजोन से मंगाया था। और इसमें क्या होता है कि कपड़ों पे ना, हर कपड़ा आप रोज तो नहीं पहनते हो, जो हाउसवाइफ्स हो, तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके साथ हमेशा ये होता है कि जब बाहर जाएंगे या वॉक पे तो आप नॉर्मल वॉक वाले कपड़े पहनते हो, कहीं बाहर जाएंगे तो ये कपड़े पहनेंगे। और आज की डेट में ये होता है ना कि हर इंसान कपड़े के मामले में बहुत सेलेक्टिव होता है। जैसे मैंने वहाँ पे ना ऑलमोस्ट 7 किटीज की थी, और हर किटी में मेरा ये होता था कि रिपीटेटिव कपड़े नहीं होने चाहिए। तो उन कपड़ों को रखना भी मतलब होता है ना कि आज भी वो कपड़े मेरे वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे, तो उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अच्छा, कभी भी कई लोग क्या होता है कि फेनोप्थलिन वॉल डायरेक्टली रख देते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। और बस तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये निकाला है मैंने अमेजोन का। इसकी इसमें दो 3 पीसेस थे और इनका कॉस्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, राइट? तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स हैं और इस तरह से इसका ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जहाँ से आपको ये दिखेगा कि कौन से सूट किस में रखे हैं, है ना? तो चलिए मैं रखना शुरू करती हूँ। इन ऑर्गेनाइजर्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनकी जिप जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो बहुत ध्यान से इन्हें हैंडल करिएगा, क्योंकि ये एक बार टूट गई तो फिर आपको दोबारा बनवानी पड़ेंगी। तो खैर, इसमें मैंने ऑर्गेनाइज किए थे, कुछ मेरे पुराने सूट्स भी थे जिनको मैं रख रही थी। क्या होता है, एक साथ रखने पर ना कभी भी आपको कुछ लेना होता है तो वो आप ले लेते हो। और ये मैंने लिया था, मैंने पिछली बार व्लॉग में नहीं दिखाया था, ये मैंने शरारा या जो भी कहिए प्लाजो लिया था चिकन का, जो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछा कि क्योंकि आप प्लाजो सिंपल लेगिंग या पैंट्स पहनते हो ना कुर्ते के नीचे, तो फिर मैंने उनको पूछा कि चिकन का भी कुछ शरारा प्लाजो या कुछ ऐसा आता है, तो उन्होंने बोला हाँ आता है। तो ये जो था ये शिफॉन में था, और इसकी मतलब बहुत होता है कि आप अगर एक उसमें बना के पहनते हो ना चिकन का कुर्ता, चिकन का प्लाजो, तो बहुत ही सुंदर आता है। और ये तो मेरा था शिफॉन में, और शिफॉन भी अच्छा लगता है पर रेगुलर में आप शिफॉन नहीं पहन सकते हो। तो ये मैंने जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्लोथिंग का, तो ये मैंने सॉफ्ट वाला लिया था। और ये मेरा बहुत ही मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सूट है, ये अनारकली टाइप का सूट है, ये मैंने पहले लिया था। तो अभी मुझे थोड़ा ये गंदा लग रहा था कि ये मैंने पहना था अभी यहाँ पे जो गरबा का फंक्शन हुआ था, तो तब मैंने पहना था, और बहुत ही यकीन जानिए बहुत ही सुंदर सूट है। तो अगर आपको चिकन के सूट्स लेने हैं तो आप कहाँ से लो, देखिए चिकन तो लखनऊ में कहीं पे भी हर जगह मिल जाता है, पर यह है कि अगर आपको रीजनेबल रेट्स लेने हैं तो आप अमीनाबाद में लीजिए, अमीनाबाद में बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैंने कपूरथला से लिया था, और कपूरथला मार्केट एक्सपेंसिव मार्केट में ही कही जाएगी। और ये इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया था, कुछ मुझे एक किसी फंक्शन में जाना था लखनऊ में, तो मैंने ऑन द स्पॉट मतलब ले लिया, और मुझे लेना था कि कल मुझे यही पहन के जाना है, तो मैंने उस हिसाब से लिया था कि और हालांकि अच्छा भी बहुत लगा था। अच्छा, चिकन के अगर आप सूट लेते हो तो ट्रांसपेरेंट होते ही होते हैं, है ना? तो उनके साथ आपको अंडर स्लिप भी लेनी ही पड़ती है, तो ये स्लिप भी बड़ी इजीली मिल जाती है। लॉन्ग स्लिप लोगे तो आपको 200 की मिलेगी, अगर आपको शॉर्ट स्लिप लेते हो तो आपको 100 की मिल जाएगी, या मोस्टली 150, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब अमीनाबाद में हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे क्या था, एक मेरा पैजामा था जो मैंने अभी जॉर्जेट का दिखाया था, वो फट गया था, तो मैं उसे स्टिच कर रही थी। और यकीन जानिए मतलब साथ के साथ काम कर लो तो बहुत इजी हो जाता है, और आजकल धागे में डालने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट भी आता है, तो बहुत इजीली आप सुई में धागा डाल सकते हो और साथ के साथ काम करते जाओ तो बहुत इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है।